राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और मेरे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, आप लोग सपोर्ट करो। तो ये सुबह का टाइम है, आज पहले नवरात्रे हैं तो मैंने पूजा कर लिया। आप लोग भी माता रानी का आशीर्वाद ले लो। तो मैंने भी व्रत रख रखा, अर्पित भी व्रत रख रखे हैं, महक भी, मेरे हस्बैंड मेरे पति भी रख रखे हैं व्रत, और सब ने पूजा कर लिया। और महक अर्पित भी पूजा करके सुबह स्कूल चले गए वो लोग। तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वो लोग नहीं बना पाई कि सुबह जल्दी जल्दी में वो लोग नहाना नहवाना, उन लोग को तैयार करना स्कूल के लिए, और व्रत के लिए व्रत भी है उनके लिए, लंच भी बनाना। तो सुबह सुबह ब्लॉग नहीं बना पाई, तो अब मैं पूजा वूजा कर ली। तो आप लोग को तो पूजा वूजा कर ली, तो मैंने सोचा आप ब्लॉगिंग भी चालू कर दूँ माता रानी के दरबार से। तो मैंने ये छोटा सा मेरा मंदिर है, आप लोग देख सकते हो, आप लोग मेरे हर एक ब्लॉग में देखते हो नवरात्रे में। तो ये छोटा सा मेरा मंदिर है, आप लोग देख सकते हो। मतलब माता रानी से ही विनती करती हूँ, आप लोग हमेशा खुश रहें अपने परिवार में, अपने घर में। तो आप लोग ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहो। और मैं चल रही हूँ, चाय बनाई हूँ और चौलाई के लड्डू, जो व्रत वाला चीज़ है वही, और केले वेले लाई हूँ। तो चल रही मैं भी करूँगी अब नाश्ता। के व्रत नहीं हूँ, एक पहला रखूँगी, एक लास्ट का जो चढ़ती उतरती बोलते हैं वही व्रत रखती हूँ। वही अर्पित भी रख रखे हैं, मेरे हस्बैंड भी और महक भी, सब लोग वही व्रत रख रखे हैं। 9 दिन के हम नहीं हैं। तो आप लोग अच्छे से नवरात्रे मनाइए और माता रानी की पूजा करिए। बस दिल में श्रद्धा होना चाहिए माता रानी के प्रति। और पिछली बार तो हम नवरात्रे में गए थे शकुंभरी माता घूमने, और हमारे अर्पित का बर्थडे भी पड़ा था नवरात्रे में, तो हम लोग शकुंभरी माता गए थे। तो अब की बार गए नहीं, देखते हैं कहाँ माता रानी जाते हैं दर्शन करने। तो आप लोग ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहो। तो चलो मैं जो है नाश्ता कर लूँ, फिर आप लोग से मिल। दोस्तों शाम हो गया, शाम के 4 बज रहे हैं और हमारे बराबर में कीर्तन है, तो वहीं मैं जा रही हूँ। सो रही थी तो अभी मुँह धुला तो गिल्ला गिल्ला हो रखा हूँ। और महक अर्पित वो लोग स्कूल से आ गए हैं, और महक तो बिस्कुट खा ली, अर्पित तो बार तरह रखे हैं, और मेरे पति। तो मैं जा रही हूँ, बराबर में कीर्तन है, वहीं पर जा रही हूँ। चलो आप लोग से थोड़ी देर बाद। भाई के शुभ चरणों में परिवार वालों की आई है, और माँ भगवती इनके हमेशा भंडार भरे रखे। अपना नाम बताकर माँ के चरणों में अरदास कराएं। बलराम जी 10 रुपए की अरदास, कृष्णा बच्चा 11 रुपए की अरदास, हाँ बेटा पुंज बच्चा 11 रुपए की अरदास। माँ भाई के शुभ चरणों में आइए, आज पहला नवरात्रा है, माँ भगवती के चरणों में नाम बता दो। कुनाल बच्चा 11 रुपए की अरदास, प्रिंस बच्चा 10 रुपए की अरदास, हैप्पी की मम्मी 10 रुपए। रोहित बच्चा 10 रुपए की अरदास, माँ माई के चरणों में आई है, खुशी करा लो। अरे हरे हरे जय जयकार के रावाली के दरबार, मामाई के शिव चरणों में करा रही है।
अपने दोनों हाथ ऊपर कर लो एक बार माँ भगवती के लिए। ताली बजाओ। कमरे में खिड़की अंधेरा शाम के 7 बजने वाला था। इधर देखो गुड़िया के पार्लर में बनी हुई थी गुड़िया भी और उनके साये हमारे पर है का ये भी मोहल्ले की थी अभी भी है मोहल्ले की लड़की है ये भी गुड़िया की कोई पार्लर एक गुड़िया है। आप लोग कमेंट करके बताना काली माता में कैसे लग रहे हैं सचमुच के काली माता लग रही हैं गुड़िया ये भी है गुड़िया पार्लर में की है तो पार्लर में लोग तैयार हुए थे।